वेलकम बैक टू साबरी गॉट फ्रॉम। बकरी को क्या खिलाने से अफारा हो जाता है, कौन सा ऐसा अनाज दे देने से उसको अफारा होने की शिकायत हो जाती है, रिस्क किस चीज में है, तो अगर इसके बारे में जानेंगे तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम अपनी ही गलती की वजह से उसका पेट फुला देते हैं, फिर उसको अंडाइजेशन हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है, अफारा हो जाता है, एसिडोसिस, एल्कलोसिस के चांसेस तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ना हो तो हमें क्या करना चाहिए, आज इसी के ऊपर टॉपिक हम करेंगे। तो हमें पहली फीड, अगर मॉर्निंग में हम अपने बकरे को अनाज देते हैं तो कैसे मतलब देना चाहिए, देखिए। अब हमने इनको मान लीजिए कभी भी भूसा खिलाया, भूसा होता है सूखा, बकरी की फिजिक के लिए, बकरी की बता रहा हूँ, 70% सूखा चारा चाहिए, 30% हरा चारा, हरे में गीलापन होता है, तरल पदार्थ होता है, ठीक है। तो 70% सूखे के बाद 30% हरा, पर डे बता रहा हूं मैं। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो उसके लिए बेस्ट है, लेकिन अगर आप क्या करें, हम करते हैं ऐसा कुछ सूखे फीड में, कुछ भी एक्स वाई जेड सूखा फीड उसके अंदर खिलाने के बाद उसको हम, अगर उसको हम पानी पिला देते हैं तो अफारे के चांसेस बहुत अच्छे खासे हो जाएंगे, अफारे के चांस बहुत अच्छे खासे हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने उसको कैसे, जैसा अभी हमने इसको फीड खिला दिया, जानवर पानी की तरफ दौड़ता है, पानी हमने उसको तुरंत पिला दिया, अफारे के चांसेस हो जाएंगे। और अगर हमने उसको अगर इस चीज से बचा लिया तो अफारा नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हम पहले पानी ना पिलाए, ठीक है, हाँ हाँ रुक जा, हम उसको पानी ना पिलाएं। तो उसके लिए क्या करना है, पानी ना पिला के उसको रोक के रखें आधे घंटे एक घंटे, उसके बाद में हम उसको पानी पिलाएं। ऐसे करेंगे तो अफारे से बच जाएंगे। दूसरी चीज, अगर हम उसको अनाज खिला रहे हैं, अनाज खिलाने के लिए सूखा चारा, सूखा चारा, सूखे में अनाज में दाने आ जाता है, वो खिलाने के बाद में अगर हमने उसको पानी पिला दिया तो भी अफारे के चांसेस हो जाएंगे। तो अब करें क्या, एक चीज और, अगर जैसे कि अब जैसे कि मान लीजिए आपने उसको भूसा खिलाया, लौंग की पत्ती खिलाई, चने का छिलका खिलाया, एक्स वाई जेड सूखा चारा कुछ भी खिलाया, सूखे चारे में आपने उसको गीला चारा मिक्स कर दिया, गीले चने, गीला पानी में भीगा हुआ अनाज, गीला और सूखा मिक्स कर दिया, इससे भी अफारा हो जाएगा। तो करें क्या, ऐसा ना करें, अलग रखें, अलग अलग फीड में खिलाएं। अब आपने सूखा खिलाया, सूखा भूसा खिलाने के बाद भीगा हुआ रात का दाना खिला दिया दोनों एक टाइम पे, ये भी गलत है। तो ऐसे में हमको अलग अलग टाइम में अलग अलग चीजें खिलानी है, बेस्ट है पहले सूखा चो खिला दें, सूखा खिलाने के 1 से 2 घंटे के बाद गीला खिला दें, या गीला खिलाएं तो 1 से 2 घंटे के बाद सूखा खिलाएं। दोनों के अंदर हमें पानी का डिफरेंट रखना है, गीले में अनाज खिलाने के बाद पानी ही पिलाना चाहिए, क्योंकि पानी तो हमें जानवर को या इंसान को खाना खाने के बाद पीने ही नहीं देना चाहिए, ठीक है। पानी हमें कम से कम आधे घंटे बाद या 40 मिनट बाद पीना चाहिए। तो अगर हम दो चीज़ों में डिफरेंट रखते हैं, हमने सूखा भी दिया है, हरा भी दिया है टाइम टाइम के बाद में, तो पानी हमें अच्छे खासे टाइम के बाद रोकने के बाद देना चाहिए, ऐसे हमारे जानवर अफारे के। देखिए होने को तो कभी, आप कहेंगे कि मैं तो ऐसे करता हूँ, मुझे तो कभी नहीं हुआ जानवर के ऐसे, जिस दिन होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप, तो इससे बेहतर है ऐसे गलती को मौका ना ही दीजिए तो वो बेहतर है। अपने जानवर की सेहत हमारे हाथ में होती है, जिस दिन नहीं होता नहीं होता, और जब हो जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप थोड़ा सा अलर्ट रहें, क्योंकि बकरी पालन के आप जब ट्रेनिंग के लिए जाएंगे आपको मेन पॉइंट आपको यही बताया जाएगा, सबसे पहली बात है आपको वैक्सीनेशन के बारे में बताई जाएंगी, वैक्सीनेशन कब कौन सी करनी चाहिए ये बताया जाएगा, कौन सा चारा किस टाइम खिलाया जाए ट्रेनिंग में ये बताया जाएगा, और कुछ ही दवाइयों के नाम आपको बताए जाएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग जो होती है वो 3 दिन की और 1 हफ्ते की, इससे ज़्यादा नहीं होती है, 3 दिन की होती है, 1 हफ्ते की होती है बस, कहीं ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कहीं नहीं सुनी 15 दिन, बस इनफ, इसके अलावा है ही नहीं। अगर आपने
इतनी ट्रेनिंग ले ली, तो क्या आप मानते हैं कि इतनी ट्रेनिंग में आप बकरी पालक बन जाएंगे, पशुपालक बन जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि इतने में आपका बस हो जाएगा कि हाँ मैंने सीख ली बकरी पालन करना? नहीं, कम से कम देखिए, अच्छा वक्त बिताओगे तो ही जा करके आपको बकरी पालन, तो हमें वो भी बताया जाएगा कि किस तरह से कौन सा चारा किस टाइम में खिलाया जाए, कब पानी पिलाया जाए, कि हम रात को सोते वक्त जानवर को पानी पिलाएं? जी नहीं, सोते वक्त भी पानी नहीं पिलानी चाहिए। फिर कब पिलाएं? आप अपने जानवर को पानी जो है वो सिर्फ शाम को खिला दें। आपने उसको शाम का फीड दिया, शाम का फीड देने के बाद में रात हो उसी के कुछ टाइम के बाद में 40-45 मिनट के बाद पानी पिला दिया, अब छुट्टी। अब चाहे जानवर कितना भी पानी मांगे, गर्मी की देखो बात अलग होती है, बीकट गर्मी पड़ रही है, एकदम अंधाधुंध 40-42 टेम्परेचर जा रहा है, जानवर आपके छत पे भी पलते हैं, पंखे की सुविधा नहीं है लेकिन आपने छत पे रख रखे हैं तो पानी रखा जा सकता है। लेकिन अगर आपने पानी की सुविधा, पंखे की सुविधा नहीं रख रखी है तो पानी की जरूरत पड़ सकती है, फिर उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेहतर है गर्मी के अंदर अनाज का ज्यादा प्रयोग ना करें रात के वक्त। क्यों? क्योंकि गर्मी उसकी बॉडी डिहाइड्रेट, जब बॉडी डिहाइड्रेट होगी तो फिर उसको क्या करा जाएगा, फिर उसको एक लपक लगेगी कि वो पानी का ज्यादा प्रयोग करें। अब जब उसने अनाज खाया होगा, पानी पिएगा, तो फिर अफारा हो जाएगा, हजम नहीं कर पाएगा, पेट खराब हो जाएगा, लूज मोशन के भी चांसेस हैं, अफारे के भी चांसेस हैं, पेट दर्द के भी चांसेस बन सकते हैं। तो इसलिए कुछ कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, ठीक है? तो ऐसा करेंगे तो आपका जानवर स्वस्थ रहेगा, बेहतर रहेगा। बकरी पालन में कुछ समय समय पे की जाने वाली जैसे डिवॉर्मिंग, वैक्सीनेशन, और उसके लीवर को मजबूत करने के लिए लीवर टॉनिक पिलाना, डिवॉर्मिंग करना, ठीक है, नज़ला खांसी को ज़्यादा इग्नोर ना करना, क्योंकि अगर उसके नज़ला हो रहा है, खांसी हो रहा है, उसको इग्नोर कर देना। मेरे ख्याल से इस बकरे ने झीरी तोड़ दी। देखो ये बेटा, दिखा दिखा दे, ले 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 ले, दिखा दे यार, ए अब दिखाएगा तू, ये मेरा बकरा हो गया भाई, दो दांत का, कुर्बानी से 5 महीने पहले, देखा? हाँ दिखा, दुर्दूरा गौते रहे। ये बकरे ने कर दी दो दांत की तैयारी, तो इस बकरे ने कर दी। क्यों, मुझे कैसे पता चला? अभी इसने हल्की सी स्माइल करी ना, तो मुझे लगा इसने झिरी खोल दी। जी हाँ, इसने एक झिरी भी खोल दी, एक दांत भी तोड़ दिया और एक दांत उग भी रहा है। तो ये हो गया हमारा 1 साल का बकरा, ठीक है, और इंशाल्लाह इसकी अल्लाह ने जिंदगी दी तो कुर्बानी के लिए हम रखेंगे, क्योंकि मैं घर का पाल के ही कुर्बानी करता हूँ। पिछले साल जरा वैक्सीनेशन की ना करने की वजह से मेरे जानवर मर गया था, कुर्बानी वाला भी, और फिर मुझे खरीद के कुर्बानी करनी पड़ी थी। वो PPR में हो गया था और मेरा पूरा फार्म जो है मेरा पूरा PPR में आ गया था। तो मैं चाहूँगा नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाके आप अपने जानवरों की वैक्सीनेशन करवाएंगे तो आपको ऐसी समस्या नहीं आएगी जो मुझे आई थी। मैंने वैक्सीनेशन को इग्नोर किया था, वो मेरी एक गलती ये थी, मैं मंडी जाकर के 7 से 8 जानवर लेकर आया था, वैक्सीनेशन को इग्नोर किया। मैं बता तो रहा हूँ आपको, आप जब ट्रेनिंग लेंगे तो आपको वैक्सीनेशन उसके बारे में बताया जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर वैक्सीनेशन आपको एक दो बकरी पालने वाला नहीं समझा जाएगा, आपको ट्रेनिंग ऐसे दी जाएगी जैसे आप अभी से ही 100-200 बकरियों का व्यापार करना, काम धंधा, पशुपालक बनेंगे, 100-200 बकरी होता, इसको लेकर के आपको ट्रेनिंग दी जाती है। एक दो बकरी भले ही आप पालें लेकिन नॉलेज तो आपको भंडार होगा नॉलेज का। तो मैंने वैक्सीनेशन को इग्नोर किया, मैं विदाउट वैक्सीनेशन हुए वे जानवर खरीद के लेकर आया, 8 बकरे खरीद के लेकर आया था मैं, और उसमें मुझे बहुत लॉस हुआ था क्योंकि विदाउट वैक्सीनेशन थे, तो सभी को PPR हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद फिर मेरे घर के 2 जानवरों को भी हुआ था, मेरा एक ब्रीडर था उसको भी हुआ था। तो फिर उसके बाद में मैंने तौबा कर ली कि अब मैं विदाउट वैक्सीनेशन के जानवर नहीं लूँगा। अगर विदाउट वैक्सीनेशन के जानवर ला भी रहा हूँ तो नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल से जाके मैं वैक्सीनेशन लगवाऊंगा। और अगर मेरे पे जानवर जैसे कि अभी बल्क क्वांटिटी में, अभी आप देख सकते हैं 1, 3,
चार, पांच, छह, ठीक है, और छह के बाद सात और एक आठ, अल्हम्दुलिल्लाह भी मेरे पे आठ जानवर हैं। तो मैं ऐसे में उसको एक वीडियो दिखा दूंगा कि वहाँ डॉक्टर साहब मेरे पास अभी बल्क क्वांटिटी में जानवर हैं, मैं एक एक करके भी नहीं ला सकता और दो चार करके भी नहीं ला सकता, आप मुझे वैक्सीन दे दीजिए, मैं घर पे खुद ही लगा लूँगा। हॉस्पिटल से और मेरे घर की दूरी 10 मिनट की है, तो फिर भी मैं किसी कोलिंग बॉक्स में उसकी वैक्सीन ले करके आ सके और इनको सब कट लगा दूंगा, तो जो सब कट की होगी जैसे जो होगी वो मैं लगा दूंगा, तो ऐसे मेरे जानवर सेफ हो जाएंगे आने वाली बीमारी से। ये मत सोचना कि मेरे घर में कहाँ आएगी, मैं पता है कि उसमें रहता था यार, मैं दिल्ली शहर में रहता हूँ, ये पीपीआरएफ एमडी की कहाँ ही बीमारी होती होगी, लेकिन जब हुई तो मुझे पता चला ये बीमारी है वायरल डिजीज की तरह उड़ती हुई, कहीं भी आ सके, लेकिन मेरे फार्म पे नहीं हुई, लेकिन दूसरे जानवरों ने मेरे जानवरों को कर दी, मैं दूसरे बीमार इन्फेक्टेड जानवरों को ले आया, क्योंकि वैक्सीनेशन लगने से इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है और फिर ये बीमारी नहीं नज़दीक आती, ठीक है। और अगर इम्यूनिटी किसी भी जानवर की लो होगी तो वो आपका जानवर जल्दी बीमार पड़ेगा। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी, तो मैं चाहूँगा इतनी नॉलेज अगर आपको मिल जाए तो आपका लॉस नहीं होगा, तो अगर आपको समझ में आ जाएगा तो मेरा वीडियो बनाने का महत्व पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर कोई आपका सवाल या प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है।